Good morning, good afternoon, good evening. It doesn't matter where you are living in this world. I hope you guys are having a beautiful, fantastic and amazing day just like me. यार आई एम बैक इन चाइना एज़ यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल. तो बेसिकली मुझे चाइना में आए हुए अभी तो मेरे ख्याल से 25 दिन हो गए, लेकिन मैंने कोई स्टोरी, कोई व्लॉग, कोई वीडियो शीडियो मैंने कोई अपडेट नहीं की थी, क्योंकि मैं फिलहाल ज़रा पाकिस्तान से निकल के बाहर आके थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहा था. क्योंकि यार पाकिस्तान के हालात स्पेशली फॉर डॉक्टर्स इतने वर्स हो चुके हैं कि यार वहाँ पर स्टे करना मेरे ख्याल से एक आपके लिए एक मिजरेबल लाइफ से कम नहीं है. और जो मैं पिछले 1.5 साल में वहाँ पर हाउस जॉब के दौरान देख आया हूँ, और जो मैं वहाँ पर मतलब जो सीन चल रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो देखिए मुझे नहीं लगता था कि यार मैं इस सिस्टम में सर्वाइव कर सकता हूँ, स्पेशली फॉर द FMGs. लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूँगा इसी वीडियो में सारा कुछ डाल दूँगा. आगे बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी, मैं अपनी चाइना की जो जर्नी है, जो मेरी मेडिकल की जर्नी है, वो मैं कंटिन्यू करूँगा. लेकिन ये है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी, ठीक है. अभी जो आगे कुछ व्लॉग्स होंगे वो पहले मैं ये बताऊँगा कि मैं पाकिस्तान कब गया था, फिर पाकिस्तान जाके मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद हाउस जॉब कब की, कहाँ पे की, कौन सी रोटेशंस की, फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब की, तो पाकिस्तान में इंडक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद व्लॉग्स चलते रहेंगे. तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको किस तरह के व्लॉग्स चाहिए, क्योंकि जो आप बोलोगे, जो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा कि ये कमेंट, ये वीडियो, ये टाइटल जो है काफ़ी लोगों के लिए जो है वो समझ लो कि फ़ायदेमंद हो सकता, तो मैं उस पर जो व्लॉग बना दिया करूँगा. 2019 की बात है कि हम लोग पाकिस्तान वापस गए. मतलब मैं बड़ा खुश था यार कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा यार, मैं PMDC कर दूँगा यार, मैं ऐ कर देंगे, मैं उतन की डाई मार के थलों दिन निकल जाऊँगा, मैं ऐ कर देंगे, मैं टीके ला देंगे, तो मैं पैसे कमा लाँगा, ब्याह कर लाँगा, बच्चे हो जाएंगे, निके निके काकियाँ हो जाएंगे, काकी हो जाएंगे. लेकिन इतने तो उल्टा सिस्टम हो गया, पाकिस्तान सिस्टम में सानू काका बना चढ़िया उतने आ गए, ठीक है. 2019 में वापस गए हम, PMDC की तैयारी कर रहे थे. PMDC की हमने 6 महीने 8 महीने तैयारी की, बाद में पता चला PMDC फारग हो गया, PMC आ गया. PMC आया, उसके बाद उसने 6 महीने लिए, वो फंक्शनल हुआ, उसने फिर क्या किया जनाब के, हाँ ठीक है भाई अब आप आके एग्ज़ाम दे दो. 1.5 साल हमारा उसमें ज़ाया हो गया, ठीक है. पहले हमने PMDC की तैयारी की, फिर हमने PMC की तैयारी की, फिर जब वो हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया, फिर उसके बाद हाउस जॉब ने हाउस जॉब वालों के लिए नई पॉलिसी लगा दी कि सिर्फ जनवरी में जो है ना आप जनवरी में नहीं, मेरे ख्याल से आप जून जुलाई में ले सकते हो इंडक्शन, और अक्टूबर में ले सकते हो. तो हमारे उसमें भी 4 महीने ज़ाया हो गए. फिर मतलब इन दोनों की आपस में ऐसी जो है ना वो चल रही थी कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता. PMDC PMC, डी हटा दो, PMC बन गया, डी पा दो तो PMDC बन गया. मतलब इन वास्ते सिर्फ एक अल्फाबेट की खेड जी, तो उन्होंने चक्कर जो सामू जो है ना वो रोल के रख छड़े, ठीक है. लेकिन चलो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो है अनसर्टेनिटी मतलब बहुत ज़्यादा, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते. अभी स्टिल जो है मेरे ख्याल से PMD से वापस आया हुआ है, उसको 5-6 महीने हो गए हैं, बट स्टिल नोबडी नोज़ के उनका आगे मतलब मोटिव क्या है. अभी तक NRE की डेट्स नहीं आई हैं, तो मतलब मैं अब क्या बोलूँ आपको, ठीक है. उसके बाद ये वाकई यार पाकिस्तान जो है ना इंसान खुशी से नहीं छोड़ता है, ठीक है. इंसान के हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि यार बंदा कहता है यार बंदा क्या करे यहाँ पे, ठीक है. कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप बड़े पैट्रियोट हो ब्रो, ठीक है, आप पैट्रियोट, मैं भी पैट्रियोट हूँ, मुझे भी पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमेशा लगते हैं, गूज़ बम्स हमें भी आते हैं, बाल के रोंगटे हमारे भी खड़े हो जाते हैं. बट द थिंग इज़ दैट के जब आपके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो आपने क्या करना है. कोई आपसे आके ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान का नारा लगा दो मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूंगा. मुझे अभी कोई बोले पाकिस्तान का नारा लगाओ 2 करोड़ दो मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, ठीक है. बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है. आपको सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. आपने अपनी फैमिली देखनी है, सबसे पहले अपना आप देखना है, फैमिली देखनी है, बाकी चीज़ें देखनी है, फिर जनाब आगे मुल्क आता है. पाकिस्तान और पाकिस्तान का सिस्टम दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है. पाकिस्तान से बहुत प्यार है, पाकिस्तान की मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाना है हमने, ठीक है. तो लेकिन जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा आप ये समझ लो कि यार हमारे लिए मुनासिब नहीं था हमारे लिए. चलो मैं अपने पे लेके आता हूँ. मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं यहाँ पे जो है ना सर्वाइव कर सकता हूँ. पिछला पूरा साल मैंने हाउस जॉब किया, हाउस जॉब की पहली रोटेशन मेरी खत्म हुई है, उसके साथ मैंने क्लीनिंग शुरू कर दिया, ठीक है. 4-5 घंटे मैं क्लीनिंग करता रहा हूँ. उसके बाद जैसे ही मेरी हाउस जॉब खत्म हुई है, उससे पहले मैंने सारे अपने एग्जाम क्लियर कर लिए थे. हाउस जॉब खत्म हुई है, उसके बाद जनाब मैंने साथ ही मतलब जैसे ही खत्म हुई है साथ ही मैंने प्राइवेट जॉब शुरू कर दी. मतलब सुबह 6 घंटे प्राइवेट जॉब करता था, शाम को 6 घंटे मैं क्लीनिंग करता था. तो मैं सिर्फ इन चक्करों में था कि यार मेरे पैसे इकट्ठे हो जाए, मैं किस तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है. अब मैं मतलब पाकिस्तान से क्यों निकलना चाह रहा था, देखो लोकल्स के लिए मैं अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है. जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा फिर भी आसान होता है, कुछ को इंडक्शन मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है. प्राइवेट वाले जो है ना बेचारे, उनका हाल हमारे से भी ज़्यादा ख़राब है, मैं ये बोलूँगा. इन्हीं पर डिटेल में बाद में हम बात करेंगे, ठीक है. और FMGs का तो आप ये समझ लो कि सिस्टम में आना ना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग है, ठीक है. आप 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं आपको इंडक्शन में आते हुए. वो कैसे, हाउस ऑफ के बाद आपको पहले BHU चाहिए होता है, ठीक है. BHU आपको सिफारिश पैसों के अलावा नहीं मिलता है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से जब आप BHU में फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद चले गए हो, हाउस ऑफ कम्प्लीट, उसके बाद 2 साल आप BHU चले गए हो, फिर आपको कहीं पर जाके
जनाब BHU में 3 साल काम करोगे, आपको 20-25 नंबर मिलेंगे, देन आप रेजिडेंसी में अप्लाई करोगे, फिर आपकी 4 साल की रेजिडेंसी होगी। तो ये आप समझ लो कि आप 35-38 तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तब तक आपकी फैमिली किधर जाएगी, आपने शादी भी करनी है, आपने अपने पूरा खानदान देखना है, आपके नीचे छोटे बहन भाई हैं आपने उनको भी देखना है। तो यार ये सिस्टम मेरा वारे में नहीं लग रहा था, ना किसी सीक्वेंस में आ रहा था, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि देखो अभी तक पाकिस्तान में कोई पीजी के लिए नहीं आया, आई एम द फर्स्ट वन आई थिंक हु टुक दिस डिसीजन बिकॉज आई वेंट अगेंस्ट द ऑड्स, क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा था कि यार कोई बंदा चाइना में आके यहाँ पे पोस्ट ग्रेड कर ले। तो अभी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाइना में वापस आ गया हूँ, और मेरी इंटरनल मेडिसिन में जो है वो मतलब इंडक्शन हो गई है। अभी मैं 1-1.5 महीना फ्री हूँ, इंशाल्लाह 2 महीने के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी ज़रा मैं इधर घूमने फिरने आया हुआ था, ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे मैं 15-20 दिन रहूँगा, वापस अपने हॉस्टल चला जाऊँगा, तो वो आपको मैं बताता रहूँगा। तो अभी ये सीन है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, 3 साल की मेरी रेजिडेंसी है। अब जो मेरे ही क्लासमेट हैं या और जो बाकी मेरे सीनियर्स हैं वो पाकिस्तान में अभी बेचारे हाउस जॉब के बाद 30-40-50 हज़ार के लिए क्लिनिक ढूंढ रहे हैं। कसम खुदा की जब मैं अपना क्लिनिक छोड़ के आ रहा था ना, तो मुझे कम से कम भी 30-40 लोगों के, जिनको मैं जानता था अपने हॉस्पिटल में, उनके मुझे मतलब मैसेज आए हुए थे कि यार क्लिनिक मुझे दे के जाना। मैंने प्राइवेट जॉब अपनी वो छोड़ी, उसके मुझे मैसेज आए हुए थे कि यार ये मुझे दे के जाना जब आप जाओगे। हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं चाइना जा रहा हूँ, किसी को नहीं था पता, बट स्टिल के यार ये हालात हैं पाकिस्तान में कि मतलब जॉब्स ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें और बहुत ज़्यादा बातें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आपने मुझे सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो कमेंट्स में बता देने, मेरे ज़रा व्लॉग का स्टेमिना वो ख़त्म हो गया हुआ है। अभी भी देखो मैं हाथ बार बार चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा बहुत हैवी है, तो इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे। तो अभी यह है कि मैं वापस यहाँ पे आ गया हूँ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे होगी, यूनिवर्सिटी ब्लॉग्स भी इंशाल्लाह होंगे, मैं आपको बताऊँगा CSE स्कॉलरशिप, बाय द वे आई एम ऑन CSE स्कॉलरशिप, CSE स्कॉलरशिप में कैसे लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, और सबसे ज़रूरी बात कि आप यहाँ पे आके 3 साल की रेजिडेंसी जब कर लोगे उसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है और इस पर बहुत लंबी वीडियो बनेगी, अगर मैं अभी बोलना शुरू करूँगा इस पर तो 15 मिनट मेरे और लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, तुम पालोगे उसको उसके बाद क्या, बच्चे हो जाएंगे उसके बाद क्या, बाप बन जाओगे उसके बाद क्या, पालोगे दौलत शोहरत उसके बाद क्या। देखो जब इंसान एक चीज़ हासिल कर लेता है तो उसके बाद क्या इज़ ए नेचुरल क्वेश्चन, ठीक है। तो हम भी आपको बताएंगे उसके बाद क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ज़रा वेलकम बोल दो चाइना में, और मुझे कॉमेंट्स में सारे टॉपिक्स बता देना, NLE भी पास करना है, NRE, चाइना में एडमिशन, पोस्ट ग्रेड, पाकिस्तान में क्लिनिक, बहुत टॉपिक्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, मैंने लिखे हुए हैं, कॉन्टेंट इंशाल्लाह आएगा। ऑल आई नीड इज़ जस्ट योर सपोर्ट, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब लाजमी करना, जैसे ही व्यूज़ बढ़ते रहेंगे और मतलब लोगों की इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, दैन इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग कंटेंट जो वो डेली व्लॉग्स की तरफ भी ले आऊँगा। लेकिन पहले जो 8-10-12 व्लॉग्स होंगे ना वो मैं जो पिछली मेरी जर्नी है ना उसके साथ पहले मैं कैचअप करूँगा, ठीक है, जो पिछले 3-4 साल मिस हुए, ठीक है, और अभी फिर पीछे क्या हुआ, फिर इंशाल्लाह जब वो फ्लो एक बन जाएगा देन वी विल गो विद डेली व्लॉग्स। बस यार और कितना तेज बोलूं मैं, थक गया है। दिस इज माय अपार्टमेंट, ठीक है, और जब मैं इसको छोड़ के जाऊंगा ना अपार्टमेंट को, तो मैं इसका भी जो है ना छोटा मोटा रूम टूर कर दूंगा, सही है, वो चेक करूँ। वो पीछे मेरा लैपटॉप है, ये किधर गया, कितने गया सोने, ऐप याद है, ठीक है। तो व्लॉग में लिख रहे हैं, कॉन्टेंट भी लिख रहे हैं, टॉपिक्स भी लिख रहे हैं, बाकी तो सामने मैंने दसना, क्योंकि तुहाड़े बगैर तुम्हें पता जैक आर्मी लैफ्ट वेंट्री गल का रिश्ता है, इस तो कि जाना नहीं पीछे हटना नहीं। तो यस विद दैट मीन सेट इंशाल्लाह एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।